السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. मैं सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि चूंकि ये कारोबारी टाइम है और मार्केट की मस्जिद है, यकीनन अब सब लोग दुकानें छोड़ के आए हैं। और दूसरा, अमूमन मार्केट की मस्जिदों का रुख अक्सर वो लोग करते हैं जो चंदा करते हैं, तो कहीं आपके जहन में ये बात ना हो कि मैं बीच में या आखिर में कोई चंदे की अपील करूँगा। आप बिल्कुल तसल्ली से बैठें, कोई चंदा नहीं मांगे, कोई देगा भी तो नहीं लूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के बैठें, अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तरक्कियां दे। मोहतरम इमाम साहब ने हुक्म फरमाया कि मैं कोई नसीहत आपसे अर्ज करूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने मिनट की नसीहत सुनना चाहते हैं। नसीहत तो एक दो मिनट में भी होती है, 10-12 मिनट में भी होती है और आधे घंटे में भी होती है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जज़ाए खैर दे, मुझे आपके वक्त का पूरा पूरा एहसास है। मोहतरम मदीनी साहब ने फरमाया है कि मोहब्बत रसूल के क्या तकाजे होने चाहिए, इस उनवान से अगर कोई गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं आखिर में आपको थोड़ा सा वक्त बचाऊंगा, अपने वक्त में से, आपके वक्त में से नहीं, अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त बचाऊंगा और आपको सवालात का भी मौका दूंगा कि अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई या कोई उलझन है दिमाग में तो आप वो भी सवाल इंशाअल्लाह कर सकेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि आप अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से प्यार करें। ये बिल्कुल पहला तकाज़ा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मा फिल जन्ना। जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसी ने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने भी मेरी सुन्नत से प्यार किया हकीकतन वही मेरा मुहिब है, हकीकतन उसी ने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी काना मा फिल जन्ना। आज आप मस्जिदें बनाते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान हिफ्ज कराते हैं, कुरान के तर्जमे पढ़ते हैं, ये सारी मेहनतें, ये सारी कोशिशें, ये सारी तबोदौर जन्नत में जाने के लिए की जाती है। आप रमजान में सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहते हैं, लाखों खर्च करके बैतुल्ला की जियारत को जाते हैं, हज उमरे करते हैं, ऐसी खूबसूरत मसाजिद बनाते हैं, फकीरों और गरीबों में खैरात करते हैं, सदकात करते हैं। एक ही मकसद होता है, रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो और हमें जन्नत में भेज दे। अल्लाह के अभी फरमाते मन रहबनी काना मा फिल जन्ना। तुम जन्नत का रास्ता तलाश करते हो,
जिस पर कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा, कोई मेहनत भी नहीं लगेगी, मुझसे प्यार कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नतों का वारिस बना देगा। अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना ईमान की अलामत। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नास अजमईन। फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से सबसे ज्यादा महबूब ना बन जाऊं। बल्कि कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पे फरमाया, तरह ताजों की जुकती रग पे हाथ रख के फरमाया, कुल निकाला बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره। فرمایا آٹھ چیزیں رب العالمین نے گنوائی, آٹھ چیزیں, कुल इंकाना बाउकुम, ऐ हबीब ने कहिए अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप दादा, वो अबनाउकुम तुम्हारे बेटे बेटियाँ, तुम्हारे पोते नवासे, ऊपर की कड़ियाँ भी और नीचे की कड़ियाँ भी, वो इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई बहन, वो अज़वाज वासीरतुकुम और तुम्हारे खानदान के इस कबीले, वो अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां जिनकी फरमाइशें पूरी करते करते अपनी सारी जिंदगी तुम गवा देते हो सिर्फ बेगम का दिल जीतने के लिए। अरे कभी अल्लाह को राजी करने के लिए भी कुछ वक्त निकाल लिया करो। सारी जिंदगी रोजी तलाश करते हो, जिंदगी के चंद लम्हात रोजी देने वाले को भी तलाश करने के लिए गुजार दिया करो, वही सबके पेट भरता है, आपके भी इंशाल्लाह वही पेट भरेगा। उसके सिवा कोई रोजी देने वाला, उसके सिवा कोई आपकी बिगड़ियां बनाने वाला, आपके रुके काम सवारने वाला, उसके सिवा कोई नहीं। वो तो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े को भी रोजी देता है। मा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उसकी रोजी का जिम्मा भी मैंने अपने ऊपर लिया है। और फिर फरमाया, तुम्हारे ये खानदान, ये फेस कबीले, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा और तुम्हारे वो माल जो तुम कमाते हो, हासिल करते हो मेहनत करके, व तिजारतुन तख्शौना कसादहा और तुम्हारी वो तिजारतें जिनको करने के बाद तुम्हें नुकसान का धड़का लगा रहता है, कहीं मुझे कारोबार में खसारा ना हो जाए, कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, आपको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है। वमसाकिनु तर्दौनहा और तुम्हारे वो बंगले, तुम्हारी वो कोठियां, तुम्हारे वो घर जो तुम्हें तर्दौनहा बहुत ज्यादा महबूब होते हैं, हम उन्हें बनाने के लिए कोई एटम इटली से मंगवाते हैं, कोई सऊदीया से मंगवाते हैं, कोई जापान और अमेरिका से मंगवाते हैं, पाकिस्तान की कोई चीज अपने वाशरूम तक भी हम पसंद नहीं करते। फरमाया, वमसाकिनु तर्दौनहा, तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद है, जिनको तुम महबूब रखते हो। ये आठ चीजें गिनाने के बाद इसके मुकाबले में रब्बुल आलमीन ने तीन चीजें बयान फरमाई,
सिर्फ तीन चीजें, अहब्बा इलैकुम, ये जो आठ चीजें तुम्हें गिनवाई गई हैं, ये आठ चीजें अगर तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम, अगर ज्यादा महबूब है तीन चीजों से, मिनल्लाहि अल्लाह से, व रसूलिहि उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीले अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने से, अगर ये आठ चीजें तीन चीजों से तुम्हें ज्यादा महबूब है, फतरब्बसु फिर इंतजार करो, फतरब्बसु फिर इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बे अम्रे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आ जाए। तमाम मुफस्सिरीन यहाँ अम्र का मतलब अजाब इलाही करते हैं, इसका मतलब है फिर इंतजार करो कि अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए। तीन चीजें हर बंदा अपने घर में, अलैहदी में, खलबत में बैठकर अपना तज़िया कर सकता है। मेरे दिल में बच्चे पालना, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह के रसूल की भी औलाद थी, आपकी भी बीवियां थी, लेकिन ये चीजें अजाब कब बनती हैं, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर इनकी मोहब्बतें गालिब आ जाएं। अल्लाह की मोहब्बत पर मसलन औलाद गलत मुतालबा कर रही है, नाजायज मुतालबा कर रही है, और माँ बाप हथियार डाल देते जी हम तो सारा कुछ जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, ये हमारे पास उजर होता है बच्चों को बिगाड़ने का कि हम जो कुछ कर रहे हैं इन्हीं का तो है। अब किसी की अकलौती औलाद, वो माँ बाप से, आपने एक बड़ा मशहूर वाक्य है जो कुरान मजीद ने बयान किया, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य के दौरान, अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिजर की मुलाकात के लिए भेजा तो हजरत खिजर ने कहा कि तू मेरे साथ सबर नहीं कर सकता, मेरे काम कुछ ऐसे। उन्होंने कहा नहीं मैं सबर करूं। बहुत सारे वाकयात हैं, उसमें से एक ये है कि एक बच्चा मोहल्ले में खेलता देखा, हजरत खिजर ने उसे बुलाया, गर्दन मरोड़ के मार के फेंक। अब ये कोई नेक लोगों का काम होता है, खेलते बच्चे को बुलाना, गर्दन मरोड़ के मार के फेंक देना, ये तो कतल है। अब मूसा अलैहिस्सलाम साहिबे शरीयत पैगंबर है, फौरन बोल पड़े कि अल्लाह के वली ये नेक लोगों का ये काम है, लोगों के बच्चे मार रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकते, तू मेरे साथ चल ही नहीं सकता, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो तेरे पास है, वो तेरे पास नहीं, तुझे कदम कदम पर सवाल आएगा कि ये क्यों कर रहा है, इन लोगों ने हमें रोटी तक नहीं पूछी, पानी तक नहीं पिलाया और तू इनकी दीवारें बनाता फिर गया। अजीब आदमी, चलो दीवार बनानी थी तो इनको ये कह देते भी तू हमें रोटी खिला दे हम तेरी दीवार बना देते, हमारा भी काम हो जाता, इनका भी काम हो जाता। उन लोगों ने हमसे किराया नहीं लिया, कश्ती में बिठाया और तूने उतरते हुए उसका पट्टा खींच के तोड़ दिया, उसका शी को अहदार कर दिया, तू बड़ा अजीब आदमी। आखिर हजरत खिजर ने कहा कि तू मेरे साथ हरगिज़ तू मेरे साथ सबर नहीं कर सकता, उनसे जुदाई हो। तो वो जो बच्चे को मारा था ना, हजरत खिजर ने बताया इस बच्चे को मैंने इसलिए मारा इसके माँ बाप नेक, माँ बाप नेक है, लेकिन ये माँ बाप की अकलौती औलाद है और ये इतना खुद सर होने वाला है, हुआ नहीं अभी तो बच्चा है, खुद सर होने वाला, और अपने नेक माँ बाप को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके उनको गलत राह पर लगाने वाला। मैंने अल्लाह के इज्जत से इसको मारा, सिर्फ माँ बाप को बचाने के लिए, इसके शर से माँ बाप को बचाना। यकीन मानिए हम बहुत सारी बातें, लोग दुआएं करते हैं ना, हमें दुआ मांगनी भी नहीं आती, हम दुआओं में भी बहुत गलतियां कर रहे हैं, तो बाद में सारी उम्र पछताते हैं।
और वो दुआ हमारे लिए पछतावा बन जाती। लोग मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, पहले बेटियां हैं दो तीन, लेकिन मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। इसके साथ और कोई जुमला नहीं मिलाते, बेटा दे दे, बेटा जिद किया। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने बेटा दे दिया, बेटा बड़ा हो गया। अब वो ऐसा नाफरमान, ऐसा जिद्दी, ऐसा बदमाश, ऐसा फनकार पैदा होता है कि माँ बाप को लोहे के चने चबाते हैं। फिर वही लोग मस्जिद में बैठकर दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरे बेटे को उठा दे, मेरे बेटे को दुनिया से उठा दे, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। अब ये गलती उस दुआ की है जो पहले मांगी थी। जब भी अल्लाह से दुआ मांगो, आपको औलाद चाहिए, आप मांगो अल्लाह औलाद दे, नेक और सादे दे, जो माँ बाप की भी फरमा बरदार हो तेरी भी फरमा बरदार, वो औलाद अल्लाह देगा और आपके लिए, इलाके के लिए, मोहल्ले के लिए वो मिसाली औलाद साबित होगी। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को देखते हैं सर पे हाथ फेरा, बेटा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, ये दुआ भी है बद्दुआ, ये दुआ नहीं है, ये बद्दुआ। कैसे? अब आपकी दुआ अगर उसी वक्त अल्लाह ने कबूल कर ली, फर्ज किया उस बच्चे की उम्र अल्लाह की तकदीर में 40 साल लिखी है, वो अभी बच्चा, अल्लाह ने उसकी उम्र तकदीर में 40 साल लिखी, आपने दुआ दे दी अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर ली, और कबूल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी उम्र में 40 साल का इजाफा कर, उसकी उम्र 40 साल की बजाय 80 साल हो। अब जब वो 60 साल की, वो जब वो 80 साल का हो गया, अब जब वो 40 साल को पहुंचा या 30 साल को पहुंचा, उसे फारिग हो गया। अब उसकी जिंदगी की जो बाकी, अगर 30 साल को फारिग हुआ तो बाकी 50 साल बचे उसकी 80 साल उम्र में से, वो 50 साल फालिज वाली जिंदगी में वो कैसे गुजारेगा? वो तो सुबह शाम एक ही दुआ करेगा, या अल्लाह मुझे उठा, या अल्लाह मुझे उठा। पेशाब पखाना सब कुछ बिस्तर पे होता, नीचे वाला धड़ उसका काम ही नहीं करता, बच्चे कोई करीब नहीं आते, कोई करीब नहीं आते, सब छोड़ छाड़ के भागते, बदबू है कमरे में, जहां रहता है कमरे में कोई नहीं घुसता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जिल्लत और रुसवाई से, ऐसी तकलीफ से अल्लाह सबको महफूज रखे। आप जब बच्चों को दुआ दो, उसके साथ दो चीजें जरूर मिलाए, अगर आप दुआ देना चाहते हैं, अगर बद दुआ देना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप दुआ दें अल्लाह तेरी उम्र दराज करे सेहत व आफियत के साथ और ईमान की सलामती के साथ, फिर जितनी लंबी उम्र दिए इंशाअल्लाह वो आपके लिए सदका जारिया ही बने, वो सदका जारिया बने। हम दुआ में गलतियां करते हैं। अल्लाह के रसूल को बताया गया कि फलां जगह एक सहाबी है जो तकलीफ में, अजियत में है कई दिन से, गोया उसको मौत नहीं आ, मौत के किनारे पर है लेकिन मौत नहीं आ। आप इयादत के लिए तशरीफ ले गए, उसकी हालत देखी, बिल्कुल ऐसे जैसे हड्डियों पे गोश्त ना हो, सिर्फ चमड़ी चले, ऐसी बनी चल। आपकी आंखों में आंसू आ, आपने फरमाया क्या तूने अल्लाह से कभी कोई दुआ की? उसने कहा हाँ यार सुंदर, मैंने अल्लाह से ये दुआ की है कि ऐ अल्लाह मेरे जितने गुनाह है ना, मेरे जितने गुनाह है उसकी सजा मुझे दुनिया में दे दे, आखरत में मुझे रुसवा ना दे। आपने फरमाया अल्लाह ताला को तुझे सजा देकर कोई खुशी नहीं होती, जब अल्लाह से तू डर कर दुआ मांग रहा है तो ये क्यों नहीं कहता कि या अल्लाह मैंने जितने गुनाह किए हैं मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ये कहना कि मुझे दुनिया में सजा दे दे, क्या तू इस काबिल है कि अल्लाह की सजा को बर्दाश्त कर सके?
हम दुआ मांगने में बहुत गलतियां करते हैं। दुआ मांगने से पहले किसी आलिम से और सही और पुख्ता आलिम से मशवरा करना चाहिए। मैं ये दुआ मांगू, कोई घड़ी दिन में ऐसी होती है कि वो दुआ आप करते हैं कबूल हो जाते। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, घरों में भी जैसे औरतें अपने बच्चों को बददुआ दे देती, कोई तंग करता है बच्चा सताता है बददुआ दे देती है कि अल्लाह करे तुझे ट्रक के नीचे आए, अल्लाह करे तुझे काला सांप काटे, और फिर जब वो काट लेता है फिर कहती है मैंने कोई दिल से थोड़ी कहा, अब दिल से कहा था या ऊपर से कहा, वो घड़ी कबूलियत की थी, अल्लाह ने कबूल कर। अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद में जो अल्लाह ने कहा, ये तीन बातें, अल्लाह, उसका रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह, इन तीन चीजों पर, इन आठ चीजों को अगर तुम तरजीह देते हो तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार, फिर इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब तुम पर आने वाला है। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, अपनी जिंदगी को नबी करीम के सुन्नत के मुताबिक में ढालने की आप कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगियां उस कालिम में हम ढाल दें, इस पर लगता कुछ नहीं, सिर्फ चेहरे पे थोड़ी सी दाढ़ी आएगी, सिर्फ थोड़ी सी दाढ़ी आएगी, रब राजी होगा, और मरने के बाद अल्लाह के रसूल का जहां झंडा लगा होगा, अगर वहां बैठना नसीब होगा, अल्लाह के रसूल आपको देखेंगे तो इंशाल्लाह मुंह नहीं फेरेंगे, ये कहेंगे मेरे उम्मती मेरे करीब आ, मेरे करीब आ। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जन्नत में जाने के लिए कितनी अहम और जरूरी है। आप सलवार टखने से जरा ऊपर लगते हैं, ठीक है, मार्केट वाले एक दो दिन बोलेंगे लगता है आज बच्चे की सलवार पहन के आ गए, लगता है आज बच्चे की सलवार पहन के, कहने दे उन्हें, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह तो राजी हो रहा है ना, अल्लाह तो राजी हो रहा है। अगर आप बंदों को खुश करने के लिए कोई काम करते हैं, इसे रिया कहते हैं, और रिया को अल्लाह के रसूल ने शिर्क कहा, रिया शिर्क है। आप जो भी काम करें अल्लाह को राजी रखने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए करें, और इस तरह के छोटे छोटे बातें हैं जिसपे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होता है, आपकी आकबत बनती है, आकबत संवरती है, और दुनिया में भी जब अल्लाह आपसे राजी होता है, आप नबी करीम की सुन्नतों से प्यार करते हैं, आपकी जात से प्यार करते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी खुद ब खुद, आप देखेंगे जब आप दाढ़ी रख लेंगे ना, आप आजमा लीजिए इस बात, आपकी सोसाइटी खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी, खुद ब खुद तब्दील हो जाएगी। दाढ़ी मुंडे आपको पसंद नहीं करने लगेंगे, दाढ़ी वाले आपको पसंद करेंगे, और आपकी बिल्कुल दोस्ती का मेयार ही बदल जाए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे ने 99 कत्ल किए, मुफ्ती का कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए, और अल्लाह ने जब उसको सिर्फ इस बात में बख्शा, एक मुफ्ती से पूछा मेरी बख्शिश की कुछ सूरत है, उसने कहा सूरत है पहले ये इलाका छोड़ जहाँ तू रहता है, इलाका छोड़ के फिर मैं कहाँ जाऊँ, वो फुला उसने एक नेक लोगों की बस्ती बता दी, वो नेक लोगों की बस्ती में वहाँ चला गया। अभी अभी आधा सफर किया था फोटो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वहाँ गिर गया, और गिरते गिरते उसने हाथ अपने ऐसे आगे की तरफ फैला दिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फरिश्ते जहन्नम वाले भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए, जन्नत वाले बोलते हैं हम इसे जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि इसने तौबा कर ली, जहन्नम वाले कहते हैं इसने तो आज तक कोई नेकी नहीं की कत्ल के सिवा, इसके दामन में कुछ है ही नहीं, हम तो जहन्नम में ले जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा करो जो ये बुरा इलाका सफर करके छोड़ के आया है उसको पैदाइश करो, और वो इलाका जो नेक इलाका जिस तरफ ये जाना चाहता था उसको पैदाइश करो, जिसके ज्यादा करीब है उसके मुताबिक फैसला, अगर बुरे इलाके के करीब है तो दोजख में ले जाओ, और अगर अच्छे इलाके के करीब है तो जन्नत में ले जाओ, और वो बिल्कुल वस्त में गिरा, सेंटर में गिरा। अल्लाह के रसूल फरमाते जब वो पैमाइश की गई वो बिल्कुल सेंटर था,
और नेक इलाके की तरफ वही हिस्सा ज्यादा था जो उसने जितते वक्त हाथ अपने आगे फैला दिए, सिर्फ वही हिस्सा ज्यादा था और अल्लाह के फैसले के मुताबिक उसे जन्नत में डाल दिया गया। अगर आप नेक लोगों की सोहबत में रहते हैं, इससे अच्छी बात और कोई, आप मकान बनाए, मकान खरीदें, पहले तलाश करें ये आस पास नेक लोग हैं, शरीफ लोग हैं, नमाजी लोग हैं, करीब में कोई मस्जिद है। आजकल मकान लोग बनाते हैं तो कहते हैं यार यहाँ करीब मस्जिद है, ये जगह नहीं चाहिए, तो सुबह शाम दोपहर अजाने दे के नींद भी नहीं करने देते, सोने भी नहीं देते, परेशान किए। हालांकि ये वो चीज़ें हैं जिन मानिए मस्जिद की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल फरमाते हैं जिस शख्स को देखो मस्जिद से प्यार करता है गवाही दो के ये मोमिन, गवाही दो के ये मोमिन। तो लिहाजा ईमान की गवाही इसी में है और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जेतुम ही, फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसकी तमाम ख्वाहिशात उस शरीयत के ताबे ना हो जाए जो मैं आया। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपने बाकी मार्केट वक्त में, क्योंकि छुट्टी का दिन भी नहीं है, मार्केट भी खुली है, शाम भी नहीं है, जोहर का वक्त है, ये तो जोबन है मार्केट का, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, आप कुछ बातें सुनने बैठ गए। मेरी दुआ है जितना वक्त आपने दिया है इसका बदला आपको दुनिया में नफे की शक्ल में भी दे और आखिरत में जन्नत की शक्ल में भी दे। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है अगर आप साथियों के ज़हन में तो आप कर सकते हैं। ये डर रहे हैं तो शायद सवाल करेंगे तो चावल ठंडे हो जाएंगे, चावल नहीं है। क्या मसला है? वो खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई। वैसे मेरा क्लिप है उस पर, कराची का क्लिप है मेरा। अब वो खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हुई है तो अब मैं क्या करूं? और कोई सर जी, मस्जिदों में ये एक फरमाइश है। ये असल में हमारे यहाँ अक्सर सुन्नत के मेयार को यूँ परखा जाता है कि उसमें अगर मेरा ज़ाती फ़ायदा हो कोई तो मुझे वो सुन्नत प्यारी लगती है, अगर मेरा ज़ाती फ़ायदा ना हो तो फिर वो सुन्नत मुझे नहीं भाती। जितने भी आशिक रसूल हैं उनके सामने आप बुखारी शरीफ उठा के ले जाए कि देखो जी इसमें तो रफुल दैन भी लिखी है, आमीन भी लिखा है, तो फ़ौरन कहेंगे ये आमना मस्जिद वाले करें, ये आमना मस्जिद वाले करें। अभी तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे? तो एक मौलवी साहब मस्जिद में बैठे हुए बच्चे पढ़ा रहे थे, वो आमना मस्जिद नहीं थी, और बच्चे पढ़ा रहे थे, एक खातून आई, वो अपने दुपट्टे के अंदर ना ऐसे कुछ चीज छुपाई हुई डोंगा टाइप की ना, तो जो मौलवी साहब पढ़ा रहे थे उनसे पूछा कि मजनू कहाँ? उसने कहा क्यों क्या बात? उसने कहा उसकी लैला ने अपने हाथ से खीर बनाई है और मुझे कहा है कि मोहल्ले में मेरा मजनू रहता है उसको देकर। तो फौरन कहने लगे मैं तुम्हें मजनू नजर नहीं आता क्या? उसने कहा नाराज क्यों होते हो, मुझे पता नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया, अगर आप मजनू हो तो आप खा लो। उसने वो खीर का प्याला निकाला और खीर आप समझते हैं पंजाबी में तो खीर दूध को बोलते हैं,
खीर हम कराची में कहते हैं जिसमें चावल चीनी और दूध डाल के पकाया जाए उसको हम खीर बोलते। तो वो उसने डोंगा रख दिया और उसने खाया। अब तो वो रोज पूछती भी नहीं थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये मजनू है। वो रोज आती खीर का प्याला रख देती, ये खाली करके दे देता हूँ, ले जाती। हफ्ता भर खाते रहे तो मजनू मियाँ की गर्दन भी माशाल्लाह सही हो गई, ऊपर के बटन भी तंग पड़ने लगे, तोंद भी कुछ बाहर निकल आए। हफ्ते 15 दिन बाद वो खाली प्याला लेकर, जब खाली प्याला लेकर आई तो उसने आगे रखा तो मजनू मियाँ गुस्से से लाल पीले एक रंग जाए एक आए, ये क्या मजाक? उसने कहा मजाक नहीं है, आज तुम्हारी लैला ने कहा कि मेरे मजनू से कहो कि आज मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है, इसे अपने खून से भर दे। तो फरमाने लगे बड़ी भी, इतना तो मैंने खीर भी नहीं खाई, खून देने वाले मजनू दूसरी गली में रहते, हम तो खीर खाने वाले मजनू हैं। तो नबी की सुन्नतों पे अमल करने की बात आए तो वो आमना मस्जिद वाले करें, हम खीर करें, मिलाद हम करें, कुल तीजा सातवां हम खाएंगे, 40वां भी हम खाएंगे, बरसी भी हम खाएंगे, सुन्नत की कोई बात आएगी ये उस मस्जिद वाले का। ये खीर खाने वाले मजनू न बनिए, खून देने वाले मजनू बनिए ताकि अल्लाह के यहाँ भी सुरखुरु। जी यानी मुझसे पूछ रहे हैं आप कि मैं यजीद हूँ या हुसैन? हाँ हाँ, ना हुसैन की तरफ से है न यजीद की तरफ से है। जब ये हजरत मुआविया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला की जंग हुई ना, जंग सिफीन, तो सहाबा किराम दो हिस्सों में तकसीम, एक गिरोह हजरत मुआविया के साथ हो गया, एक गिरोह हजरत अली के साथ हो गया। एक दिन किसी बंदे ने आकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला से पूछा, अय अब्बास अंत अला मिल्लत अली अव अला मिल्लत उस्मान, अब्बास तू ये बता तू हजरत अली के साथ अलवी है, उनके तरीके पर है, उनकी मिल्लत पर है, अव अला मिल्लत उस्मान, या काफिला ने उस्मान से किसास का मुतालबा करने वाले जो हजरत मुआविया का गिरोह है उनके साथ किसकी मिल्लत पर, मिल्लत उस्मान पर या मिल्लत अली? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लस्तु अला मिल्लत अली अव अला मिल्लत उस्मान, ना मैं अली की मिल्लत पर हूँ ना उस्मान की मिल्लत पर हूँ, बल आना अला मिल्लत रसूलिल्लाह बल्कि मैं तो रसूल अकरम के तरीके पर। हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तकसीम तो मैं हैरान होता हूँ आपके पंजाब में ये तकसीम है, ये यजीदी है ये हुसैनी है, मुसलमानों में ये तकसीम समझ में नहीं आता। अब वो लानतुल्लाह अलैह कहें तो कोई नहीं पूछता, अगर वो यजीद का नाम लेकर लानतुल्लाह अलैह कहें तो कोई नहीं पूछता, उसकी क्या दलील है लानत देने की, क्या दलील है आपके पास कि यजीद पर लानत की जाए, और किसी ने रहमतुल्लाह अलैह कह दिया तो ये यजीदी होगी। बुखारी शरीफ में हदीस है अल्लाह के रसूल ने फरमाया अव्वल जैश मिन उम्मती यगज़ूना मदीना तो कैसर मग़फूरुल्लाह, वो लश्कर पहला जिसने सबसे पहले कैसर के शहर कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, अल्लाह ताला उस हमले की वजह से उन सब की बख्शिश कर दे, मग़फूरुल्लाह। ये नहीं कहा कि यग़फिरुल ज़ुनूब, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्शेगा, नहीं उनकी जातों को बख्शेगा। जात जब बख्शी जाती है
तो वो जुर्म पहले के होते हैं तो भी माफ, बाद के होते हैं तो भी माफ, जब किसी जात को बख्शा जाता है। अल्लाह ताला उसके अगले पिछले सब कुछ माफ करके जात को माफ कर देता है। जैसे जब अल्लाह के रसूल यूं फरमाए, इस पर जहन्नम की आग हराम है, अगर आप किसी के बारे में ये कहें, उसका मतलब ये है कि अब जहन्नम की आग इसे नहीं छुएगी, अल्लाह ने इसे माफ फरमा दिया। जैसे अहले बद्र, जैसे अहले बद्र के बारे में फरमाया, आज के बाद ये कुछ भी करें रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ी अन्हु, इनका इखलास और इनकी मोहब्बत देखकर अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया, अल्लाह इनसे राजी है और ये रब से राजी। जैसे रहमतुल्लाह अलैह कहने की अगर दरीद नहीं है तो लानतुल्लाह अलैह कहने की भी दरीद नहीं। अगर कोई जिद करता है कि नहीं लानतुल्लाह अलैह कहने की दरीद है, तो मुझे ले आओ उसकी दूसरी सतर पे, मैं रहमतुल्लाह अलैह भी दिखा दूं। जज़ाकअल्लाह। अब तक आने वाले सवालों में सबसे कीमती सवाल, दुआ से तकदीर किसी भी चीज से नहीं बदलती, तकदीर किसी भी चीज से नहीं बदलती। गालिबन आपका सवाल मेरी गुफ्तगू के एक जुमले की तरफ इशारा है, मैं उसकी वजाहत करता हूं। तकदीर को कोई चीज नहीं बदलती। एक हदीस में यह भी आता है, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। अब इससे जाहिर होता है तकदीर को दुआ बदल सकती, सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती, मतलब यह है दुआ बदल सकती है। और एक हदीस में आता है कि जिस कलम से अल्लाह ने तकदीर को लिखा है वो कलम ही खुश हो, तकदीर लिखने के बाद जब फल कलम के अल्फाज आते हैं वो कलम ही खुश हो गया। जब कलम खुश्क हो गया तो इसका मतलब है अब उस कलम से दोबारा ना कुछ काटा जा सकता है ना कुछ बढ़ाया जा सकता है, उस अब वो लिखने के काबिल ही नहीं रहा, तो गोया तकदीर अनमिट है। अब जो मैंने कहा उसकी उम्र फर्ज किया 40 साल थी और उसके किसी अजीज ने दुआ की और अल्लाह ने उसकी उम्र को 80 साल कर दिया, तकदीर में यह भी लिखा था कि इसकी उम्र 40 साल होगी, इसका नाना दुआ करेगा, हम उसकी दुआ को कबूल करेंगे और इसकी उम्र को 40 की बजाय 60 के 80 कर देंगे, जो बदलना था वो भी लिखा हुआ है, लिहाजा बदला कुछ भी नहीं। समझ में आया नहीं बात? इसीलिए इसी फार्मूले पर आज हम दुआएं करते हैं, वरना आदमी ये सोचकर बैठ जाए यार औलाद अल्लाह ने मेरे हाथ में लिखी होगी तो मिल जाएगी, और अगर नहीं लिखी होगी तो मुझे दुआ करने का क्या फायदा, दुआ से भी नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा लिखी होगी तो मिल जाएगी, और अगर शिफा नहीं लिखी होगी तो मुझे खतीब साहब से दुआ कराने का क्या फायदा, शिफा तो मिलनी ही नहीं। नहीं, वहां तकदीर में ये दोनों बातें लिखी है कि अगर ये बीमार होगा फुलां बंदे से दुआ कराएगा या फुलां डॉक्टर से दवाई लेगा, बाकी गोजरा वाले के किसी डॉक्टर से उसका इलाज नहीं होगा, जब ये फुलां डॉक्टर के पास आएगा हम इसको शिफा देना शुरू कर देंगे। अब आपका काम है दुकान खोल के बैठना, ग्राहक भेजना उसका काम है, लेकिन आप दुकान तो खोले ना, इसीलिए आपसे कहा गया है उद्रूनी अस्तजिब लक, मुझसे दुआ करो मैं उसे कबूल करूं, दुआ मांगना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है, मैं दूंगा तुम मांगते जाओ, तुम थक सकते हो मैं देने से नहीं थकूं। लिहाजा तकदीर नहीं बदलती, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, जो तकदीर में बदलना होता है वो तब्दीली भी पहले से लिखी होती है, तो लिहाजा तब्दील कुछ भी नहीं। और कुछ समझ आ गई आपको? जी थानू तकलीफ है, तुसी ना मांगो, वो बेचारा जरूरतमंद है और मंगन कई कह रहे मंगो,
नहीं कह नहीं सकते किसी किसे नहीं। दुआ वास्ते हुक्म कोई नहीं करता, दुआ वास्ते दरखास्त करते। हाँ, अगर कोई दरखास्त कर दे तो फिर इमाम नो मंगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल को जद भी किसी ने किया मेरे वास्ते दुआ फरमाओ तो उन्हें दुआ करनी चाहिए। अगर तो कोई कहता है, अगर कली मंगता है तो तुम उठ के चले जाओ, उन्हें कला छड़ दे, लेकिन रोक नहीं सकते कि तू दुआ क्यों क्या मंग। समझ आ रही होगा? वैसे तो दुआ सीधी मंगनी चाहिए, यानी दिल में मांगनी चाहिए, ऊंची आवाज में नहीं मांगनी चाहिए। खुफिया नहीं, जरूरी नहीं, इज्तिमा सीरी से भी हो सकता है, ऐसी जरूरी नहीं। जब इमाम को लोग देखते हैं यूं किए बैठा है तो वो भी उठा लेते हैं, जब देखते हैं इमाम ने हाथ फेर लिया वो भी फेर लेते हैं। सीरी भी हो सकती है, बस दुआ फर्जों के बाद सुन्नत नहीं है, ये आपकी जरूरत है। नमाज सलाम पे पूरी हो गई, अब आपको अगर अल्लाह से मांगने की जरूरत है मांगे, दिन रात मांगे, कोई कह। देखिए हर इबादत का अल्लाह ने वक्त रखा है, हर इबादत तहज्जुद का वक्त है, तरावी का वक्त है, जोहर का, असर का, मगरिब का, फजर का, इशा का, हर इबादत का वक्त है, और दुआ भी इबादत है, लेकिन बेवक्त इसका कोई वक्त नहीं। क्यों कोई वक्त नहीं रखा? इसलिए कि दुआ अमूमन हर बंदा अपनी किसी जरूरत, अपनी किसी मुसीबत के वक्त करता है, और मुसीबत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं, जरूरत का कोई टाइम मुकर्रर नहीं कि आपको कब पेश आ जाए। इसलिए अल्लाह ने दुआ का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं रखा, आप जब चाहे मांगो। अरे लोग गैरुल्लाह से मांगते हैं, आप रब से मांगते हुए भी शर्माते हैं। आप अल्लाह को शुक्र अदा करें कि उसने आपको तौफीक दे रखी है कि आप मजारों पे जाके नहीं मांगते, अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह के दर पे मांग रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपका दिल नहीं चाहता, आपकी जरूरतें सारी अगर पूरी हो गई हैं आप ना मांगे। और कुरान देखो कितनी अजीब बात, हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया मल्ला यसअलिल्लाह यज़बान है, जो बंदा अल्लाह से सवाल करना छोड़ देता है अल्लाह उससे नाराज हो। अब तू इतना बड़ा नवाब बन गया है कि मेरे आगे हाथ उठाने से तुझे शर्म आती है, इतना बड़ा नवाब हो गया। और ये याद रख लो, जो रब देने पर कादिर है ना वो लेने पर भी कादिर है। आज आपके 10-12 बेटे जवान है, करियर जवान, आप हर किसी को धमकी देते हैं, खबरदार मेरे 12 बेटे हैं, 12 के 12 जवान है, गोजरावाला के पहलवान है, मेरी तो ऐसे टिक्का बोटी कर देंगे। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं, अल्लाह की कसम वो 12 के 12 जवानों और पहलवानों के इकट्ठे जनाजे भी उठा सकते। तो हमें अल्लाह की पकड़ से डरते रहना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है, आप उठ के चले जाए, सलाम पर नमाज मुकम्मल है। अगर इमाम का दिल चाह रहा है, वैसे इमाम की तनख्वाहें क्या होती है मस्जिदों, इमाम की क्या तनख्वाहें होती है, और उनके बच्चों की भी उसी तरह जरूरतें होती हैं जैसे आपके बच्चों की। इमाम के बच्चे को भी दही दूध अच्छा लगता है, इमाम के बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है, इमाम को भी बीवी की फरमाइशें पूरी करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन वो अपनी तनख्वाह पे मजबूर होता है, वो 24 घंटे रब से मांगता रहता है, अल्लाह मेरी ये जरूरत, अल्लाह मेरी ये हाजत, अल्लाह मेरी ये, रब से मांग रहा है ना। आपको उस पर भी इतराज कि ये 5 नमाजों में क्या, वो अगर 10 नमाजें हों 10ियों में मांगे और कुछ भी ना करे, सारा दिन नमाज पढ़ के दुआई मांगता रहे, फिर बंदा आए असर की अजान दे और फिर वो नमाज पढ़ाए, उसके बाद फिर मांगता रहे, फिर नमाज पढ़ाए मगरिब की और फिर मुअज्जिन आए इशा की अजान दे और वो इशा पढ़कर फिर मांगता रहे और जब थक जाए फिर वो सो जाए। यकीन मानी आप देखोगे कि अल्लाह उसकी काया को कैसे फल, कैसे फल।
आज वो अल्लाह के आगे बंदा जितना भिखारी बनता है अल्लाह उसको उतना ही दुनिया का चौधरी बनाता है, उतना ही बड़ा करता है। तो दुआ पे नहीं नाराज होते, आपको नहीं मांगना ना मांगे, लेकिन मांगने वाले को आप रोक नहीं सकते। जी जी सुन्नत यही है कि जब आप सलाम दे रहे हैं सलाम के बाद अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जी एक मिनट जी, ये गलत है, ना ये हिस्सा है ना ये सुन्नत है, ये सिर्फ हनफी तसव्वुर है, अहले हदीस ऐसा नहीं समझ। जी हाँ, लेट के खड़ा होके बैठ के सफर में जैसे भी दिन करते, अल्लाह हर तरह से सुनता है, हर तरह से सुनता है। जी ये गलत, 100% गलत। कुर्सी पे बैठे हैं तो बैठे रहे। अब जब आप मिसाल के तौर पर सब मेरी यहाँ आ रही है, अब कुर्सी यहाँ आके खत्म हुई, अब मैं यहाँ अगर खड़ा हो गया इधर तो सब तो वहां है, मैं तो 2.5 फुट सब से आगे खड़ा हूँ, मैं तो जमात में ही नहीं हूँ बल्कि सबको भी खराब किए खड़ा हूँ। अब कुर्सी की हैसियत तो बंदे की नहीं है, ये तो ऐसे हो गए जैसे सब के बीच में पिलर आ, सुतून आ। पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया पिलरों के दरमियान सब नहीं बना। अगर मस्जिद, इस मस्जिद में पिलर नहीं, बाद मस्जिद बहुत बड़ी होती है, बीच में सुतून होते, तो सुतून वाली जगह पे सफे बनाना मना, सुतून छोड़ दे, उससे पीछे बनाए उससे आगे बनाए। तो अब ये कुर्सी आपने सब के बीच में रख दी, गलत। और बहुत सारे बाबे इतना जिद्दी होते हैं, उनको बता भी दो समझा भी दो, नहीं नहीं बात है, वो खड़े होके ही उसी तरह भी, तू अल्लाह के बंदे जब कल अकेला पढ़े फिर तेरी मर्जी, खड़ा हो बैठे जैसा करेगा, लेकिन जब तू जमात में है तो सबको खराब न कर। हाँ, या तो फिर ऐसा हो कि पीछे उसके सपना हो, कुर्सी को पीछे करे और लोगों के बिल्कुल बराबर खड़ा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब जमात होती है तो सफे तो 10-12 बन जाती है मस्जिद में, तो पीछे अगर कुर्सी करेगा तो उसके पीछे जो खड़ा होगा वो सजदा नहीं कर देगा। तो बैठ, अगर माजूर है बैठ के पढ़ना चाहिए, अल्लाह उसको पूरा सवाब दे। जी बल्कि जो खड़े होने से ये चक्कर में है कि मैं खड़े होने का सवाब लूंगा, वो शख्स को खराब करने का गुनाह अपने गले में डाल। जी और मुझे तो मदीने साहब कहते थे कि बस 20-25 मिनट बात करना, तिजारत का मार्केट की मस्जिद है, यहाँ लोगों के पास टाइम नहीं, अब आप जान ही नहीं छोड़ रहे। अल्लाह के बंदे तो मुझे पहले कहे कि मैं आप तक तकरीर ही करता रहता, मुझे तो आज तकरीर बड़ी जोरों की लगी हुई थी, ये तो आपने तो 20-25 मिनट और हजरत इमाम साहब ने नसीहत फरमाई है, ये जुमला कहकर तो मुझे तो बिल्कुल ही ठंडा था। जी नहीं, अब नहीं, अब तो टेम्पो टूट गया ना। ये मसला सऊदी आले बताएंगे, मैं पाकिस्तान का मसला दे सकता, बस जहाँ भी पिलर हैं अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता।